सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण होने पर ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाता है, पैनिक स्थिति क्रिएट हो जाती है और हॉस्पिटलों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऐसे में आप क्या करें। बहुत सरल सा तरीका है, यदि आप योग और आयुर्वेद पर भरोसा रखते हैं, अपने प्राचीनतम चिकित्सा पर आपको पूरा विश्वास है, तो उपाय आपके घर पर है। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन आपके घर में, आपके रूम में भरपूर मात्रा में है, कहीं से बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने आप को तैयार करना है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने लंग्स को हेल्दी रखना है। कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स को दबाकर आप अपने फेफड़ों की प्रक्रियाओं को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो कौन से पॉइंट हैं, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मिडिल और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच का ये जहां जॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप प्रेस करें 50 से 70 बार, 50-70 टाइम्स इस पॉइंट को आप प्रेस करें। इस पॉइंट को दबाने के लिए आप पेन का प्रयोग कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर का ये जिम्मी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट है वुड का, या आप अंगूठे से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे फेफड़ों का पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, ये बहुत इफेक्टिव है, आप दबाएंगे तो आपको तुरंत लाभ होगा। दूसरा पॉइंट, आप रिंग फिंगर के टिप पॉइंट को दबाएं। यदि आपके नोज ब्लॉक हैं तो वो आपकी 2 मिनट के अंदर ही खुल जाएगी, इसको भी 50-70 टाइम्स दबाएं। दोनों हाथों में दबाएं ये दोनों पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट्स, आप देखें जिनको घबराहट हो रही है, जिनको बेचैनी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी से कई बार हार्ट बीट बढ़ने लगती है, तो अपने हार्ट को भी संभालें। ये हमारा जो रिंग फिंगर और छोटी उंगली है, इसके मिडिल के थोड़ा सा नीचे हार्ट लाइन, उसको आप यहाँ से प्रेस करें, अंगूठे से प्रेस करें इस प्रकार से। ये केवल लेफ्ट हैंड में ही आपको पॉइंट मिलेगा, तो इसे भी आप 50 से 70 बार दबाएं। हर पॉइंट को कम से कम 2 मिनट तक दबाते रहें। चौथा पॉइंट आप देखें, जो आपका एल्बो है, यहां से आप अपने 4 उंगल इस प्रकार से रखें और फिर ऐसे, तो इस पार्ट को पूरा आप इस प्रकार से प्रेस करें, किसी पेन के सपोर्ट से पूरा आप इस प्रकार से यहां मसाज देंगे, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपकी थकान दूर होगी, आपको एक मनोबल मिलेगा, आपका मानसिक स्थिति स्थिर होगी। नेक्स्ट आप क्या करें, अपनी हथेलियों से क्लैपिंग करें ऐसे खूब अच्छी प्रकार से, इस प्रकार से क्लैपिंग करना शुरू कर दें और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। आप देखेंगे आपका पूरा ब्रेन की ओर सर्कुलेशन हो रहा है, आपके लंग्स में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। और डीप ब्रीदिंग करो, धीरे धीरे बैठकर गहरे श्वास लो, गहरे श्वास छोड़ो। पीपल के पत्तों का प्रयोग करो, पीपल के पत्तों को आप 5 से 7 पत्ते का रस निकालें, उसमें 2 काली मिर्च डालें और इसे आप सुबह के समय इसका रस निकालकर मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लें और इसका रस सुबह छान कर पी लीजिए। ऐसे ही आप दोपहर में, ऐसे ही शाम को, 3 बार ऐसा आपको करना है। साथ में पीपल के पत्तों का स्टीम लेना है, उसमें थोड़ा अजवाइन, 1 पोटली में पीपल के पत्ते डालें, 5 पत्ते डाल लीजिए, थोड़ा आधा चम्मच अजवाइन डाल लीजिए और उसका आप पोटली बनाकर स्टीमर में डालकर उसकी स्टीम लें। स्टीम लगभग 7 से 10 मिनट तक अच्छी प्रकार से स्टीम लें, मुंह से लें, नाक से छोड़ें, नाक से श्वास लें, मुंह से छोड़ें स्टीम लेते समय, ऐसा आप करते रहें। खूब अच्छे से स्टीम लें, पूरा कफ जितना आपका जमा हुआ है, जिसने लंग्स को आपके पूरा घेरा हुआ है, जिसके कारण से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, उसको पूरा कफ को बाहर निकाल दें। यदि आपने कफ को बाहर निकाल दिया तो आपकी बॉडी में लंग्स आपके ठीक से काम करने लगेंगे और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा। तो इतना यदि आप कर लेंगे तो 10-15 मिनट में ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो घबराएं नहीं, जो आयुर्वेद और योग पर भरोसा करते हैं उनको कहीं हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भरपूर मात्रा में जो ऑक्सीजन है आपके आसपास, उसी का आप पूरा यूज कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। आप सभी लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि
इस ऑक्सीजन की कमी के साथ लोगों को एक राहत मिले और घर पर ही लोग अपने आप को ठीक कर सकें। आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।